हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पोको के X3 GT के बारे में। तो गाइस, पोको का जो X3 है वो आपको काफ़ी टाइम पहले इंडिया में देखने के लिए मिला था। अब जो पोको का X3 GT है, अब ये जो स्मार्टफोन है वो एग्जिस्ट करता है और इंडिया में भी ये जो स्मार्टफोन है ये जल्दी लॉन्च होने वाला है और इसका जो नाम होगा वो आपको पोको X3 GT देखने के लिए मिलने वाला है। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो स्मार्टफोन होगा वो रीब्रांडेड होगा रेडमी के Note 10 Pro 5G का, जो आपको चाइना में देखने के लिए मिला था। तो वही जो स्मार्टफोन होगा अब आपको इंडिया में पोको X3 GT के नाम से मिलेगा, जैसे कि आप इस ट्वीट में देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मॉडल नेम भी देखने के लिए मिल जाता है जो पोको का X3 GT है। यहाँ पर आपको ये जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में पोको X3 GT के नाम से देखने के लिए मिलने वाला है और ये पूरा का पूरा रीब्रांडेड होगा रेडमी के Note 10 Pro 5G का। बिकॉज अगर ये जो स्मार्टफोन है वो रेडमी Note 10 Pro 5G का रीब्रांडेड होगा तो ये जो स्मार्टफोन है वो काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है और काफ़ी अच्छी प्राइस के साथ ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिलेगा। बट सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको पोको की ब्रांडिंग के साथ मिलेगा, तो आपको जो एड्स होगी वो यहाँ पर नहीं मिलेगी, जबकि जो रेडमी के फोन्स होते हैं वहाँ पर आपको जो एड्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो स्मार्टफोन होगा वो 6.6 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाइड डिस्प्ले के साथ आएगा, जहाँ पर आपके IPS LCD पैनल देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आपको 450 निट्स पर इसकी पीक ब्राइटनेस मिलेगी, 120 हर्ट्ज पर डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट मिलेंगे और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा स्मार्टफोन की डिस्प्ले में। अगर हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको MediaTek का Dimensity 1100 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस होगी वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी और इसमें आपको 8GB रैम 256GB तक के वेरिएंट मिलेंगे, जहाँ पर आपको जो स्टोरेज टाइप होगी वो UFS 3.1 मिलेगी और जो रैम टाइप होगी वो LPDDR4X रैम होने वाली है। अगर हम बात करें इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट मिलेगा जो बेस्ड होगा MIUI 12.5 पर। अगर हम बात करें इसके कैमराज की, तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलेगा। सेल्फी के लिए इसमें आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप काफ़ी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर सकते हो। और इस स्मार्टफोन में आपको सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, जो आपको इसके पावर बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन है वो 5000mAh की एक बड़ी बैटरी के साथ आएगा, जिसमें आपको काफ़ी बड़ी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और इसकी जो प्राइस होगी वो आपको इंडिया में 20,000 के अंडर देखने के लिए मिलेगी। तो 20,000 में आपको 67W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा और इसमें आपको चार्जिंग पोर्ट होगा वो USB टाइप सी होगा, IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा और कई तरह के आपको इसमें फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो स्मार्टफोन है वो डुअल 5G मोड को भी सपोर्ट करेगा। तो गाइस, ये थे कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पोको के X3 GT की और ये जो स्मार्टफोन है ये जल्द ही आपको इंडिया में मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये जो स्मार्टफोन है वो एक अच्छा सक्सेसर है अगर हम कंपेयर करते हैं पोको के X3 से। तो पोको के X3 का जो GT होगा वो काफ़ी अच्छा आपको देखने के लिए मिलने वाला है और इंडिया में ये जो स्मार्टफोन होगा वो आपको मेरे ख्याल से जून या जुलाई के मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। तो गाइस, ये थी कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि अपन वाले अपडेट को मिस ना करें।